दोस्तों, इस दुनिया में कई महान हस्ती हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, जिनके मरने के बाद भी उनको हमेशा याद रखा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने साल 2020 में इस दुनिया को अलविदा कर दिया है, पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नंबर 1, रॉकी जॉनसन। दोस्तों, रॉकी जॉनसन रेसलिंग की दुनिया के एक बड़े सितारे थे, जिन्होंने 1964 से 1991 तक रेसलिंग में अपना धाक जमाए रखा। इनके नाम 25 से भी ज्यादा चैंपियनशिप रिकॉर्ड दर्ज हैं। रॉकी जॉनसन WWE के महान लेजेंडरी रेसलर्स में शुमार किए जाते हैं। इसी के साथ ये मशहूर हॉलीवुड एक्टर द रॉक के पिता भी थे। इनकी मौत 15 जनवरी 2020 के दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई और 75 साल की एज में रॉकी जॉनसन इस दुनिया को अलविदा कर गए। नंबर 2, इरफान खान। दोस्तों, फिल्मी जगत के मशहूर एक्टर इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की एज में वो हम सभी को अलविदा कर गए और इसी के साथ हमने इस फिल्मी जगत के सितारे को खो दिया। इरफान खान बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक सफल अभिनेता थे। इरफान को 2018 में न्यूरो इंडोक्राइम ट्यूमर हुआ था, जिसके बाद से वो लगातार बीमार चल रहे थे और 29 अप्रैल 2020 को हमने फिल्मी जगत के इस लेजेंड एक्टर को खो दिया। नंबर 3, ऋषि कपूर। दोस्तों, इरफान खान के मौत को एक दिन गुजरा नहीं था कि उसके अगले दिन बॉलीवुड की दुनिया में राज कर चुके ऋषि कपूर भी इस दुनिया को अलविदा कर दिए। दरअसल ऋषि कपूर 2018 से ल्यूकीमिया नाम की एक बीमारी से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से उन्हें HM रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 30 अप्रैल 2020 को यहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, आपको बता दूं कि ल्यूकीमिया एक तरह का कैंसर होता है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से पूरा खत्म कर देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल आर्मी डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।